this is Ethor festival celebration of the Adi tribe. Ethor means fencing for domestic animals. But this story is much beyond that. A particular domestic animal, Mithun. The Adi tribe of Arunachal Pradesh, mainly situated around the Siang districts, celebrates a very unique festival to remember the god of domestic animals, Dadi Bote, and his creation of the beautiful animal, Mithun. Abang mein, जो हमारे श्रुति शास्त्र पवित्र श्रुति शास्त्र है उसमें श्रुति शास्त्र में यही बताता है कि एक फल गोर इंग्लिश में बोलता है उस फल के अंदर में कुछ कीड़े की या किसी चीज़ की आवाज़ थी वो देखने के लिए सब देव देवी इकट्ठा होकर दादी समी जगह का जो अच्छा अस्त्रोपचार करने वाला दादी कौमी यंगमो को बुलाकर उस गोट को काटने दिया और देखने दिया कि उसमें क्या चीज़ है। बाद में देखा एक कीड़ा है और देव देवियों ने उसी कौमी यंगमो को ही दायित्व दे दिया कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है, इससे आप जो भी संभव कुछ भी बनाइए। दादी बोते को लेके कौमी यंगमो बहुत मैंने तरह के चीज़ें ऐसे इधर से उधर से इसे कलेक्ट करके ले लेके एक जानवर बनाया, इस उस कीड़े को जानवर बनाया, जो जानवर एकदम ये आजकल का जो हम मिठुन देखते हैं इसको उस समय में एक कीड़ा से बनाया। तो वो सबके लिए इतना सुंदर था कि सब चाहा कि उनके पास भी ये मिठुन हो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो बात बढ़ते बढ़ते दोनों पोलों का कोर्ट चले गए। फाइनली अ स्क्विरल वाज सेंट विद सेंटेड अपोंग, टेस्टी फूड एंड अ लॉट ऑफ गुडीज, एंड आफ्टर लॉट ऑफ कन्विंसिंग दादी बोते अग्रीड टू गिव देम मिथुन बट विद अ कंडीशन। दादी बोते कहा था कि हम तो मिथुन को दे दिया लेकिन एक साल में आप लोग एक बार हमको भी याद करना पड़ेगा, इसीलिए उस मिथुन का पूजा करके दादी बोते को याद करने हेतु तो ये लोथर फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं। ये फेंसिंग के लिए पूजा नहीं, मिथुन के लिए पूजा है ये। सोलुंग एतर किस लिए नाम दे दिया, तो यही बात है कि ऐसे अलुंग को मिथुन का झोनों को तालुंग के अंदर में रखना, इसीलिए उसको ऐसो तालुंग सोलुंग, ये सोलुंग नामकरण का ये कारण है। इन दिस 5-day सेलिब्रेशन अ सैक्रिफाइस इज परफॉर्म्ड, अ लॉट ऑफ अपोंग इज कंज्यूम्ड एंड देलोंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअलिस्टिक डांस इज परफॉर्म्ड ऑल नाइट लॉन्ग वेयर द एंटायर स्टोरी इज संग। संसार कैसे उत्पत्ति हुआ, पृथ्वी कैसे बना, सब गाने के साथ साथ मिथुन कैसे बना, स्वर किस तरह से बना, किसने दिया, ये सब पूरा गाथा इसी उत्सव में देलोंग नाच के साथ में वो गाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली द पीपल आर स्लोली फॉरगेटिंग द मीनिंग ऑफ द रिचुअल्स एंड दे आर बीइंग रिड्यूस्ड टू जस्ट अ फन एक्टिविटी। ये सब पूजा पाठ करने का तरीका या इसका जो कहानियां है, मिथोलॉजीज है, वो सबको भी आजकल के जमाने में लड़का लड़की जितना भी बच्चे है, अभी नया मैंने नई प्रजन्म के लोग ये नहीं जानते। किसी विशेष जगह का, किसी समाज का एक संस्कृति लुप्त हो जाए वो सारे मनुष्य प्रजाति के मैंने नुकसान है। और जो अगर हम लोग बचा के किसी कोने का कल्चर को बचा के कहीं भी रख पाता है तो सारे संसार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संपद बन के रह जाता है। तो यही कोशिश हर एक चीज़ हर एक आदमी को करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए कि अपने बच्चों को सिखाना जरूरत है अपने परंपरा को रखने के लिए। बट एनीवे द सेलिब्रेशंस शुड नॉट स्टॉप। आई विल जॉइन दिस ब्यूटीफुल ट्रेडिशन ऑफ कल्चर एंड सेलिब्रेटिंग द एनिमल मिथुन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी। खुशियां ऑलवेज। Come on.